तरल तर तरंगे देव गंगे प्रसीद नमामि गंगे स्तव पाद पंकज सुरा श्रीवंति दिव्य रूपम भावानुसारेण सदा नराणां गंगा गंगेति यो भूयादि यो जनानां सकेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सदर्शति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कल्पे दुःखवात् भवेत्। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन टू द फोर्थ डे ऑफ दिस राइड उत्तराखंड। फाइनली आज हम पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में हमें जाना है बद्रीनाथ, लेकिन उससे पहले आज पहुंचेंगे हरिद्वार। तो होपफुली शाम को हरिद्वार में गंगा आरती वगैरह सब देखने मिलेगा। कांट से कितने बजे पहुंचेंगे, क्योंकि आज भी लेट तो हो ही गए, लेकिन आज लेट हुए क्योंकि एक्चुअली चेन ल्यूब वगैरह सब कराना था। 1200-1300 किलोमीटर नई चेन पे चलाया है, तो एक भी बार सेटिंग किया नहीं था। चेन सेटिंग कर लिया, टाइटन अप हो गया, चेन ल्यूब करा लिया, सब रेडी। फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू सैबी भाई, फिर मिलेंगे 2020 में नहीं ना, 21 में, 2020 ख़त्म कर दो जल्दी। टाइम राइट नाउ इज़ अराउंड 9:30 AM ऑन 6th of October 2020। वी आर ऑल सेट टू लीव। आज यहाँ से 350 किलोमीटर का राइड है हरिद्वार के लिए, उसमें से 120 किलोमीटर तो है पेरिफेरल हाईवे पे दिल्ली के। तो होपफुली ट्रैफिक अगर नहीं लगेगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6-7 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि मेरठ से रुड़की तक भी 4 लेन हाईवे है। रुड़की से आगे थोड़ा शायद ख़राब रास्ता है, बट जो भी है अपडेट तो आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ एंड तक तो बने रहेंगे ही। चलो निकलते हैं। एग्जैक्टली 10 बजे चलो सर। सेम एज यस्टरडे, आज का भी अपना हॉल्ट एकदम हाईवे को टच था, सो विद इन 1 मिनट वी आर बैक ऑन द हाईवे। लेकिन अभी पेरिफेरल पे चढ़ने से पहले नाश्ता करना पड़ेगा, क्योंकि पेरिफेरल हाईवे जो है 125 किलोमीटर अपने जाना है, और उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ना पेट्रोल मिलता है, ना पानी मिलता है, ना कुछ। तो पेरिफेरल चालू होता है यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर पे, उससे पहले कहीं रुक के ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। आज का ब्रेकफास्ट हम शाहरुख खान के घर पे करेंगे, मन्नत में नाश्ता करेंगे। अच्छा दिख रहा है, बड़ा है, कुछ ना कुछ ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स। शाहरुख भाई ने बड़ा अच्छा नाश्ता दिया, लेकिन गड़बड़ ये कर दी कि बॉलीवुड के और बाकी अपने पंजाबी पॉप वाले सॉन्ग्स लगा के रखे थे, तो वहाँ पे आपके लिए कुछ शूट नहीं कर पाया। नाश्ता बहुत सही था, आलू पराठे वन ऑफ द बेस्ट पराठाज आई हैव एवर हैड, बहुत सही था। और उसके साथ जो दही दिया था ना, मतलब पूरे गांव को काफ़ी होगा इतना दही दिया था उसके साथ। बाद में पता चला प्रियंका को कि वो दही कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था। उसने पूछा पराठे के साथ दही या अचार, उसने बोला दही, ठीक है दही, जितने का पराठा उतने का ही दही था। तो लिया था इसलिए इसने, मतलब खुद की जिम्मेदारी पे लिया था ना, तो पूरा ख़त्म किया है। और अभी इतना बड़ा कटोरी भर के दही खाया है इसने, मीठा वो भी। और अभी पेरिफेरल हाईवे पे 125 किलोमीटर सोने वाली है। एनीवेज आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट द परमिट्स पार्ट। उत्तराखंड में एंट्री करने के लिए जो परमिट है, आपको स्मार्ट सिटी देहरादून का जो वेबसाइट है उस पर रजिस्टर करना होता है खुद को। ये लिंक है वो वेबसाइट का, इस पर रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको अपना खुद का सारे डिटेल्स, एक आईडी के डिटेल्स, फिर आपके साथ जो को ट्रैवलर्स हैं उनके डिटेल्स, आपका ओरिजिन और डेस्टिनेशन, फिर एक चीज़ है कि जो आपका डेस्टिनेशन डालेंगे आप, उस डेस्टिनेशन का कम से कम आपको एक रात का होटल बुकिंग एडवांस में करके उसका बुकिंग रिसिट अपलोड करना होता है इस वेबसाइट पर, तभी आपको ये रजिस्ट्रेशन का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। इट इज़ नॉट अ ई पास सॉर्ट ऑफ अ थिंग, दे आर नॉट अप्रूविंग और डिनाइंग, जस्ट दे आर रजिस्टरिंग। रजिस्टर करके उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके पास आएगा, बस वो एक्नॉलेजमेंट जो है रिसीट, वो आपको उत्तराखंड के एंट्री पॉइंट पे दिखाना है, वहाँ पे वो चेकिंग होगा। अगर वो नहीं किया है आपने ये रजिस्ट्रेशन, तो आपको उत्तराखंड स्टेट में एंट्री नहीं देंगे। तो अभी अपना ये प्रोसीजर कम्प्लीट हो चुका है, वी आर नाउ ऑल सेट टू एंटर उत्तराखंड। अभी पहले तो पेरिफेरल हाईवे पे निकलते हैं।
मैटर हाउ फ्रेश एंड एनर्जेटिक यू आर, ये रोड ही ऐसा है ना कि नींद आ ही जाती है। वी हैव डन 90 किलोमीटर्स आउट ऑफ 130 टोटल, अभी और 40 किलोमीटर जाना है पेरिफेरल हाईवे पे। 90 किलोमीटर्स में दोनों को नींद आने लगी थी, तो सोचा है रुक ही जाते हैं 10 मिनट के लिए। तो ये मेन टोल प्लाजा है यहाँ पे, मतलब पीछे भी एक दो टोल प्लाजा गए लेकिन वो वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे ख़त्म हो गया और अभी ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे चालू हो गया। तो ये सबसे बड़ा टोल प्लाजा है आई थिंक, एंड दिस इज ऑल्सो डिजिटल आर्ट गैलरी और समथिंग लाइक नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ का। तो अच्छा लगा ज़रा, और टोल प्लाजा है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लोग भी दिख रहे हैं, तो इट फेल्ट अ बिट सेफर। नहीं तो दिन में भी ऐसा है कि इतना सुनसान लगता है ना, दिन में भी रुकने की इच्छा नहीं होती। तो एनीवेज थोड़ा सा भी रुके, पानी वगैरह पिया, अच्छा लग रहा है। लुक एट दिस, पूरा एक्सपांस, जहाँ तक देखो पीछे खेत ही खेत है। नॉर्थ इंडिया में गैंजेस प्लेन्स में आने का यही मज़ा है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट, मतलब राजस्थान छोड़ने के बाद अभी जब तक हम लोग उत्तराखंड में नहीं जाते ना, तब तक आपको पहाड़ी ये चीज़ देखी गई नहीं। पूरा फ्लैट, टेंस ऑफ किलोमीटर्स फ्लैट, सिर्फ खेत। दह्याचा असर बघा भाई, दरे दही बोलते हाँ झाली ना, मागे दोन झोपा तर काढून झाल्या, दोन वेळा तर हेल्मेट आपटलं टंग करून मला इथे पाठीमागे गप बस, झोपा काढते आणि मला शिव्या घालते की तू खड्ड्यातनं उडवलं म्हणून। एनीवेज इट्स 40 मोर किलोमीटर ऑन द ईस्टर्न पेरिफेरल नाव, और उसके बाद फिर मेरठ वाला अपना एग्जिट आ जाएगा। अपना एग्जिट ईस्टर्न पेरिफेरल को बाय बाय, और दिल्ली के पूरा गोल घूम के मेरठ की तरफ चल दिए। सो एज ऑफ नाउ अपना ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर के आसपास हो गया है रेवाड़ी से, मतलब अभी और 150 या पौने 200 किलोमीटर बचा है। एट द टाइम राइट नाउ इज जस्ट अ क्वार्टर पास्ट वन, मतलब अभी 150 किलोमीटर के लिए 3-4 घंटे भी लगे तो भी 5 बजे से पहले पहले हरिद्वार पहुंच जाएंगे। पेरिफेरल हाईवे पे ऐसा फील हो रहा था कि हम धरती पे है ही नहीं, कोई आदमी ही नहीं है यहाँ पे, कोई रहता ही नहीं है, पूरा का पूरा खाली रोड। और जैसे ही पेरिफेरल से नीचे उतरे, पूरा का पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ रोड। अभी पिछले आधे घंटे में हार्डली 15 या 20 किलोमीटर आए हैं, आई थिंक मेरठ क्रॉस होने तक जैसे ही रहेगा। वैसे मेरठ सिटी में तो जाना नहीं, ये सिटी बाईपास है, एक बार मेरठ क्रॉस करके जाएंगे उसके बाद टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि रूड़की भी बाईपास है जहाँ तक मुझे पता है। एग्जैक्टली 3 PM तो चलो लंच ब्रेक ले लेते हैं। By the way, as I had already said before, अगर लंच ब्रेक लेना ही है तो the best place is to stop where there is a McDonald's. Yo, आज के दिन का आखिरी 100 किलोमीटर to हरिद्वार, सीधा हरिद्वार में जाके चेक इन करके सब सामान डाल के चेंज करके फटाफट भागना है गंगा घाट के लिए, क्योंकि आरती मिस नहीं करनी है आज की। चल 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 चल, बस पटकन बस चल। ये उत्तराखंड स्टेट की एंट्री पॉइंट, ओके यहाँ पे कुछ चेकिंग तो नहीं हो रहा है। अच्छा एंट्री वहां पे है, हेल्प डेस्क वगैरह लगा हुआ है, लेकिन सब सिर्फ कार को उधर लेके जा रहे हैं, बाइक को नहीं रुक रहे। अच्छा सारी कार टूरिस्ट की जितनी भी आई है सब उधर लगी है और बाइक को कोई नहीं रुका, मतलब अगर आप कार से आते हो तो ही
एंट्री चेक हो रही है, बाइक से आते हो तो चेक नहीं हो रही है। कल कल शाम को जो शाहजहांपुर में पेट्रोल भराया था उससे भी हम लोग ऑलमोस्ट रूड़की पहुंच गए। अभी पेट्रोल खत्म हो गया है, हरियाणा में अपना एक ही फ्यूल ऑफ वॉइस का मतलब, और यूपी में एक भी नहीं। एंड नाउ दिस इज द फर्स्ट आउट ऑफ अपेरेंटली मैनी फ्यूल अप्स इन उत्तराखंड, क्योंकि अगले 10-12 दिन हम यहीं पे घूमने वाले हैं उत्तराखंड में, तो बहुत से फ्यूल अप्स आएंगे। सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड हरिद्वार, गंगा मैया के प्रथम दर्शन हो चुके हैं। ये साइड में पूरी नदी बह रही है, इनफैक्ट यहाँ पे गंगा नदी के हरिद्वार में बहुत से कैनल्स निकाले हुए हैं और हर कैनल पे घाट बनाए हुए हैं, उसमें से एक कैनल यहाँ पे है अपने बाजू में। दैट्स हरिद्वार रेलवे स्टेशन ऑन माय लेफ्ट साइड। सो मेन मार्केट एरिया में है अभी हम, अपना होटल यहीं कहीं पे है और अपने होटल से हर की पौड़ी, जो मेन जहाँ पे गंगा आरती होती है वो घाट हर की पौड़ी नाम है उसका, वो अपने होटल से सिर्फ 1 किलोमीटर पे है। सो वी गॉट अ होटल इन प्राइम लोकेशन टुडे। पहुँचते हैं होटल पे और फिर बातें करते हैं। हरिद्वार में अपने होटल पे पहुंचने के बाद हमें पता चला कि हर की पौड़ी अपने होटल से 1 नहीं 1.5 किलोमीटर दूर है और जो आरती होती है वो 6:30 नहीं 6 बजे होती है। इन शॉर्ट, चाहे जितना भाग ले हमें आरती मिलना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट भागते हुए हम हर की पौड़ी तक पहुंच गए। आरती तो खत्म हो चुकी थी लेकिन माहौल अभी भी बना हुआ था। आरती नहीं तो ना सही, लेकिन माहौल हमने जी भर के एंजॉय किया। दिस प्लेस इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ब्यूटी एंड स्पिरिचुअलिटी। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, कुछ गंगा मैया में डुबकी लगा के अपने पाप धोने के लिए, तो कुछ इसी गंगा मैया की पूजा करने के लिए। लेकिन चाहे जो भी हो, ये खूबसूरती और यहाँ का माहौल एक अलग ही सुकून दे जाता है। By the way, even before leaving from हर की पौड़ी, हमने ये डिसाइड कर लिया था कि उत्तराखंड के इस ट्रिप में गंगा आरती एटलीस्ट एक बार तो जरूर विटनेस करेंगे। लेकिन कैसे? अगले दिन हमें निकलना था बद्रीनाथ के लिए, प्लान तो पता है ना आपको। बट देन उत्तराखंड की इस राइड में असली ट्विस्ट तो यहाँ से आगे शुरू होते हैं। तो पहला ट्विस्ट, पहली कहानी और उत्तराखंड में पहली सफर, पहला साइट सीइंग भी अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे अगले संडे शाम को 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।